मॉर्निंग क्लास सर, तो आपको एक्सरसाइज 6C एंड 6D का मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ. सो 6C एंड 6D का जैसे आपको डिवाइड, सबसे पहला क्वेश्चन ये है 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 9. अब बोल रहा है राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट. ये आपको डिवीजन फैक्ट में दिया है और आपको चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में, यानी आपको इसको मल्टीप्लाई में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे आप मल्टीप्लाई में, देखिए मल्टीप्लाई में लिखने के लिए आप क्या करोगे पहले तो. सो आप कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे क्या दिया है, 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू में 9. तो आप लिखोगे क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाय 9, नाउ 5 9 45. बस आपको इसी में चेंज करना है, ये डिवीजन फैक्ट में दिया है और आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में चेंज करना है. सेकंड एक और क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है. यहाँ दिया 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू में 9. तो नाउ पहले सबसे पहले 3 लिखेंगे एंड 9, 3 9 27, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में. नाउ सेकंड क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट, मल्टीप्लीकेशन में दिया है और डिवाइड में चेंज करना है. तो इसको डिवाइड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जो आंसर आता है उसको लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय, 18 का किससे डिवाइड करेंगे, ये सेकंड वाले नंबर. यहाँ पे भी देखो ये फर्स्ट नंबर पे कर रहे थे, ये सेकंड पे, 5 9 9 5 भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आप ऐसे लिख दोगे. फिर यहाँ पे 6 है और 18, तो 18 को पहले और 6 से डिवाइड करेंगे तो ना मुझे कितना मिलेगा, 3, ठीक है ये वाला. एक और क्वेश्चन बताइए आप खुद. सबसे पहले 50 डिवाइडेड बाय 5 या 10, 5 इज इक्वल्स टू में 10. ये जो यहाँ आंसर है समझिए वही आपको ले आना है, ठीक है. तो यहाँ आंसर है इसी तरह, ये आप ले आएंगे तो 50 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 60, ठीक है. अब कह रहा है 6D का कुछ क्वेश्चन है. 6D में कह रहा है डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल टू फाइंड द क्वोटेंट. यहाँ डिवाइड करना है, क्वोटेंट फाइंड करना है. तो डिवाइड के लिए सबसे पहले 3 है, तो 3 हमारा डिवीजर है जो कि आप बाहर लिखोगे एंड 18 डिवाइडेंड है. नाउ 3 के टेबल में 18 आते हैं 6 टाइम, 3 6 18, माइनस करोगे एंड 0. ये जो आपका आया है वो रिमाइंडर है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर. ये जो आया है ये आपका क्वाइटेंट है, इसको बोलते हैं क्वाइटेंट. और ये आपका डिवीजर है और ये आपका डिवाइडेंड है, ये आप याद कर लीजिएगा किसको क्या क्या कहते हैं. अब मुझे कितना आया, 6, क्वाइटेंट बोला है, यहाँ पे आंसर होगा 6. नाउ यहाँ पे करेंगे इसी तरह, एक और कर लीजिए, 64 को 8 से कर दीजिए. 8 के टेबल में 8 टाइम्स में 64 आता है ना, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स करना है. 23 का 1 से डिवाइड, जब हम किसी का भी डिवाइड, देखो डिवाइड में भी प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर हम किसी नंबर का डिवाइड 1 से करते हैं ना मुझे वही नंबर मिल जाता है. जैसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई आप 1 से करते हो तो आप सेम नंबर पाते हो, तो आप डिवाइड भी 1 से करोगे तो आप वही नंबर मिल जाएगा, ठीक. 42 का 42 से डिवाइड करोगे तो 1, ठीक है. किसी नंबर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी डिवाइड, किसी नंबर यानी 2 का 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 40 का 40 से डिवाइड करोगे तो 1. नाउ ये क्या हो जाएगा, 1. बाकी आप करिएगा, ठीक है. सो आज के लिए इतना बस. एक्सरसाइज 6C एंड 6D कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग पेज में.